हेलो बच्चों, आज हम डायन कुप्रथा के भाग दो पे चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डायन बिसाहा अंधविश्वास को खत्म करने के लिए सरकारी प्रयास, डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप और डायन कुप्रथा से बचने के सुझाव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं डायन बिसाहा अंधविश्वास को खत्म करने के लिए सरकारी प्रयास से। बच्चों, इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे चर्चा करें, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो अंधविश्वास है, ये सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी देखी जाती है। बस इसके स्तर का अंतर है, अर्थात गांव के लोग ज्यादा अशिक्षित होते हैं, इसलिए वो इन सब बातों पे ज्यादा विश्वास करते हैं, जबकि शहर के लोग शिक्षित होते हैं लेकिन फिर भी इन सब बातों पे विश्वास करते हैं। हालांकि उन्होंने कभी डायन जैसी चीज को देखा नहीं है, पर वो इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि वो अपने पूर्वजों से इस बारे में सुनते आए हैं। बच्चों, गांव के लोगों की ये धारणा होती है कि डायनों के पास ऐसी शक्ति होती है जिसके प्रयोग से वे किसी को क्षति पहुंचा सकती है। उनका मानना होता है कि डायन मंत्र उच्चारण से लोगों को बीमार कर सकती है। तो बच्चों, चलिए अब बात करते हैं कि डायन बिसाहा अंधविश्वास को खत्म करने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, झारखंड सरकार ने डायन बिसाहा अंधविश्वास को खत्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं और लगातार करते जा रहे हैं, जैसे कि शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सरकार जो है निरंतर प्रयास कर रही है कि गांव को लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जाए, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके कारण वे लोग इस अंधविश्वास से ऊपर उठ सकते हैं। इसके अलावा सरकार गांव में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जागरूकता अभियान के तहत सरकार हर वो प्रयत्न कर रहा है जिससे गांव के लोगों को इस अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक कर सके। इसके अलावा सरकार नुक्कड़ नाटकों, समाचार पत्रों, पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों से भी इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, आपको पता होगा ये नुक्कड़ नाटक होता क्या है। ये नुक्कड़ नाटक जो है गली मोहल्ले में दर्शाया जाता है और इसका जो मेन थीम होता है, मेन मुद्दा होता है, वो सामाजिक बुराई या सामाजिक कुरीतियों से जुड़ा होता है, ताकि ये वहां की जनता को अच्छे से समझ में आ सके। समाचार पत्रों के द्वारा भी सरकार आम जनता को जागृत करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा सरकार पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही है कि ये महज अंधविश्वास होता है। इसका सटीक उदाहरण आप खुद देख सकते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में ये अध्याय इसलिए डाला गया है ताकि आप इस अध्याय को पढ़ें, सोचें, समझें कि डायन जैसी कोई भी चीज नहीं होती, यह महज इंसान की सोच की उपज होती है, यह महज अंधविश्वास होता है। अगर आप इस बात पे विश्वास कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी आने वाली पीढ़ी भी इस अंधविश्वास से ऊपर उठ चुका होगा। और यहाँ तक कि आप अपने बड़ों को भी समझा सकते हैं कि ये सिर्फ सामाजिक कुरीतियां हैं, इनसे हमें ऊपर उठना चाहिए। इसके अलावा सरकार जो है एक टोल फ्री नंबर 181 जारी किया है। इस नंबर पे कोई भी महिला जिसके साथ अप्रिय घटना घटती है वो तुरंत कॉल कर सकती है और उसके किए गए कॉल पे तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए कानूनी व्यवस्था पर। बच्चों, हमारे झारखंड राज्य में डायन कुप्रथा समाप्त करने के लिए सन 2001 में कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। इस प्रथा के अनुसार डायन का आरोप लगाने वाले व्यक्ति पे 1,000 रुपया जुर्माना या 3 महीने की सजा या दोनों हो सकती है। अगर किसी महिला को डायन कहके उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है तो 6 महीने की कैद या 2,000 रुपया जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। डायन के रूप में पहचान करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने या उसकाने वाले व्यक्ति को 3 माह की सजा या 1,000 रुपए जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए कानूनी व्यवस्था पे जारी रखते हैं और हम बात करेंगे अब अपने राज्य झारखंड के आंकड़ों की। तो बच्चों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात NCRB के आंकड़ों से पता चलता है कि झारखंड 2013 से 2016 तक उन राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है जहां डायन के संदेह पे हत्या हुई है। अर्थात इस दौरान यहां पे 1200 से भी अधिक लोगों की हत्या कर दी गई है। बच्चों, 2001 से 2016 तक लगभग 523 महिलाओं जादू टोना के अभ्यास के संदेह पे पाई गई हैं। इसके अलावा 2012 से 2014 तक 127 महिलाओं को डायन बताकर मार डाला गया था। बच्चों, 2014 से जून 2016 तक डायन हंट अर्थात डायन हत्या की 1,857 घटनाएं हुई हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इन 5 सालों में डायन के कुल कितने मामले सामने आए हैं। तो बच्चों, इन 5 सालों में डायन के कुल 3,300 मामले दर्ज किए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डायन कुप्रथा से बचने के सुझाव पे चर्चा करते हैं। पहला सुझाव है, मीडिया इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रेडियो का ज्यादा यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो हम आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के जरिए उस पे बार बार कुछ एडवर्टीजमेंट या प्रचार बना के हम लोगों को इस कुप्रथा के प्रति जागरूक कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय स्तर पे बच्चों में हम जागरूकता, उनको ये एक सब्जेक्ट के अंदर एक अध्याय के रूप में पढ़ाकर कर सकते हैं, जैसा कि आपको किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन भी भूमिका निभा सकती हैं। गैर सरकारी संगठन अर्थात NGO और आंगनवाड़ी को कहते हैं। तो बच्चों, ये लोग गांव में जाकर वहां के लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा उस गांव का जो पंचायत है वो अहम भूमिका निभा सकता है। वो इन कुप्रथाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकता है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक कर सकता है कि डायन जैसी कोई चीज नहीं होती है। नॉर्मली क्या होता है या प्रायः क्या होता है कि गांव वाले मुखिया की बात मानते हैं। तो बच्चों, अगर मुखिया शिक्षित हो या वो खुद इन प्रथाओं में विश्वास नहीं रखता हो तो जाहिर सी बात है वो अपने प्रजा अर्थात गांव वालों को भी इन प्रथाओं या इन कुप्रथाओं से ऊपर उठने का निर्देश देगा। तो इसमें पंचायती राज में मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि अहम भूमिका निभा सकते हैं।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने डायन बिसाहा अंधविश्वास को खत्म करने के लिए सरकारी प्रयास, डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप और डायन कुप्रथा से बचने के लिए सुझावों पर चर्चा की। इसका रेफरेंस था सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।